भाई मोदी जिंदाबाद 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 श्री रविंदर रैना जिंदाबाद 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 श्री रविंदर रैना जिंदाबाद 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 श्री जुगल किशोर शर्मा जिंदाबाद 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय आज लोकसभा के इलेक्शन की और रिजल्ट निकले क्या कहेंगे? आज एक बार पुनः भारत की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है। हम पूरे भारत की जनता को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो उन्होंने मैंडेट दिया है उसके लिए धन्यवाद करेंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे। जहाँ तक हम जम्मू पंच की सीट की बात करें जहाँ जुगल किशोर शर्मा जी जीत गए क्या कहेंगे? देखिए जुगल जी बहुत ही एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी। वो दो बार नगरोटा से एमएलए रहे हैं और दो बार जम्मू पंच संसदीय क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। इस बार वो जम्मू रियासी जो नया हमारा पार्लियामेंट्री क्षेत्र बना है उससे वो पुनः उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत ही एक ईमानदार नेता की छवि उनकी रही है, बेदाग नेता रहे हैं और लगातार उन्होंने अपनी जो ये पांचवी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी का, हमेशा उन्होंने परचम लहराया है, जनता ने उन पर विश्वास जताया। हम चाहेंगे कि इस बार उन्हें केंद्र में कोई अच्छा जिम्मेवारी मिले ताकि वो और अच्छे से अपने इस क्षेत्र की जो है वो सेवा कर पाए। अब की बात 400 पार, लेकिन ये 300 पार भी नहीं हो पाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जब कोई बच्चा एक इम्तिहान देने के लिए जाता है तो उसको हमेशा ये एक टारगेट दिया जाता है, ये होता ये नहीं है कि 99% ही नंबर ले, जितने वो लेता है अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसके लिए बहुत होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। हमेशा लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है सिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, और ये अकेले अपने दम पे एक ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये इतिहास रचा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। एक नारा था 400 पार, वो जनता ने जो दिया वो शर्मा से पर जी।